जब से टोटल गेमिंग ने फेस रिवील किया है उसके बाद से कुछ नल्ले ब्लॉगर हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए। उनको पता है ऐसे तो व्यूज आ नहीं रहा, तो क्यों ना अज्जू भाई के नाम पर व्यूज छाप लिया जाए। पानी में रहने का जब तक जोन नहीं आता तब तक बाहर नहीं निकलने का वहाँ से। समझ गया मैं। वो मेरा स्ट्रेटजी है, वैसा मत करना कोई, वरना वहाँ पे फाइट होगी। पानी मिलेगा अज्जू भाई, गन फाइट कैसा है, गन पावर कैसा है आप लोगों का? आपने देख लिया। लेकिन तुम साले ब्लॉगर, अज्जू भाई से मिलने का मौका क्या मिल गया, जहाँ देखो सड़ा सा कैमरा लेकर घुस जा रहे हो। और देखो इंटरनेशनल स्टार, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मुकेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड से? ऑडियंस का समझ में आता है कि वो अज्जू भाई के फैन है, एक सेल्फी से उनका दिन बन गया होगा। इधर ऐसा नहीं होगा जोनी वर्सेस अज्जू, ऐसा होगा बीजीएमआई वर्सेस फ्री फायर। थोड़ी बोला कि बीजीएमआई में करने वाले हैं। हाँ, ये बात हाँ, ये बोला भाई। हाँ। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि यह सब ऑडियंस है तो तुम गलत हो, यह सब यूट्यूब क्रिएटर है जिनके ठीक ठाक सब्सक्राइबर भी है, लेकिन अभी फिलहाल यह सब अज्जू भाई के साथ ब्लॉग बनाने की होड़ में लगे हुए है। सलाह, अज्जू भाई को फेस रिवील से जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा फायदा तो इन चिंदी ब्लॉगरों की हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने भाई। आप किसकी टीम में हो? मैं या स्पीरो भाई की टीम? हमारी हमारी आपकी टीम? अरे आपकी टीम तो बहुत ज्यादा कमजोर है। अरे अरे भाई, ऐसे बेइज्जती की अच्छी बात है भाई? इतनी कमजोर टीम होती है क्या? गजब बेइज्जती है। यही जब कोई छोटा क्रिएटर तुम्हारे साथ ब्लॉग बनाता था तब तुम उसको ज्ञान पेने लगते थे कि हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है, वीडियो बनाने से पहले पूछ लिया करो, ऐसे बिना बताए घर मत आया करो, मैं वीडियो में नहीं आ सकता, फोटो क्लिक करा सकता हूँ। क्यों, अब क्या हुआ, सारा ज्ञान तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गया? यही अभी अज्जू भाई बोल दे कि 4 लाख 5 लाख या 1 मिलियन वालों के साथ मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, 20 मिलियन 30 मिलियन वालों के साथ ब्लॉग बनाऊंगा, तो अभी तुम उसको एरोगेंट बोल दोगे। अज्जू भाई के अंदर ईगो आ गया है, अज्जू भाई घमंडी हो गया है। ये वही लोग हैं जो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। क्या बोला तूने? लग रही थी आदत थोड़ी कम है। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, इनके चैनल का नाम है टोटल गेमिंग। घायल टाइगर टोटल गेमिंग तो आपके आपका चैनल कर देना, घायल टाइगर चैनल को और मेरे को दोनों को। अबे कुछ सीख, तेरे मांगने से पहले बंदे ने तुझे सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोल दिया। यही अगर कोई छोटा क्रिएटर तुझे अपने ब्लॉग में लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलने के लिए बोलता तो 4 लाइन का भाषण दे देता। हेलो, कैसे हो, क्या हाल चाल? यह बंदी अज्जू भाई के आने से पहले कैमरा ओपन करके बैठी है कि जैसे ही अज्जू भाई आएंगे कैमरा मुंह में घुसेड़ देना है। परमिशन गया तेल लेने। पता है आपको, मुझे लगा था कि आपका फेक फेस रिवील हुआ। अब जो खुद फेक है उसे हर दूसरी चीज फेक ही लगेगी। मैं एकदम बढ़िया, मैं कह रहा हूँ गाइस जिसने नहीं देखा अब देख लो, जिसने नहीं देखा अभी तक भी वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखा देख लो फटाफट से। नाइस टू मीट यू ब्रदर, कैसे हो आप? कैसे हो आप? एकदम बढ़िया भाई, मतलब हमारे आगे तो देख लो गाइस जिसने नहीं देखा अभी तक भी सामने अज्जू भाई खड़े हैं। भाई का कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मतलब इसको लग रहा है कि जो वीडियो लोगों ने 39 मिलियन वाले चैनल पे नहीं देखा है वह वीडियो इसके 6 लाख वाले चैनल पे देखेंगे। मतलब यह वही बात हो गई, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550 कंधे पे टांगे राइफल। चलो अभी फटाफट से अज्जू भाई के पास चलते हैं। अज्जू भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? भाई मैं क्या बोलूं? नाइस टू मीट यू ब्रदर। ठीक है भाई, क्या कह रहे हो? मेरे को ये नहीं समझ रहा मैं ब्लॉग में क्या बोलूंगा ऐसा। कोई बात नहीं ब्रदर। अब अचानक से कोई कैमरा मुंह में घुसेड़ देगा, तुम्हारी जगह सौरभ जोशी भी होता तो वो अभी कुछ नहीं बोल पाता। एज हाइट रखने के पीछे एक ही रीजन है, मेरे साथ में खेलने वाले सभी गेमर 26 साल के है, कोई 25 साल का है, कोई 27 साल का है, और वैसे में उनको पता लगता कि मैं 21 ईयर का हूँ तो थोड़ा अजीब हो जाता, तो इस वजह से मैंने एज अपनी सभी से छुपा के रखा, ऐसा नहीं कि आप लोगों से। इस लड़की को पता है कि खुद की वीडियो को बड़ा रखेंगे तो कौन देखेगा, अज्जू भाई की वीडियो को बड़ा रखकर खूब व्यूज छापा जा सकता है। अगर तुम सोचते हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर करने की है, उसके बाद ऐसे इवेंट में जाने का मौका मिल जाता है और वहां जाकर बड़े क्रिएटर संग में वीडियो बनाओ, व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों छापो, तो शायद तुम सही हो या गलत, कमेंट करके जरूर बताओ।